प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अबानसुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो ऑनलाइन के माध्यम से जो मैटर आपके पास प्रेषित किया जा रहा है, आपको जो मैटर दिया जा रहा है, प्रिय विद्यार्थियों, उसको सहर्ष आप पढ़ें और नोट करें, क्योंकि समय जो है ये बहुत ही कुछ अलग चल रहा है। इसलिए आपको वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से जो व्यवस्था की गई है वो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इनके माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, उनको अच्छी तरह पढ़ें। तो आज आपका जो वीडियो के माध्यम से जो आपका जो नया मैटर रहेगा, कक्षा सिक्स वाले, सेवन्थ वाले और एट्थ वाले, ये अच्छी तरह देख लें, क्योंकि जो आज एक सामान्य सा आपको टॉपिक दिया जा रहा है, सामान्य सा टॉपिक, उसको याद भी करना है और उसको पढ़ना भी है, नोट भी करना है। आज अपने पास है धातु। प्रिय विद्यार्थियों, धातु कहते हैं क्रिया, हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं उसको धातु, और अंग्रेजी में कहते हैं उसको वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि वर्ब, धातु, क्रिया किसको कहते हैं। इसकी परिभाषा भी दी है कि जिन मूल शब्दों या धातुओं से किसी कार्य का करना या होना पाया जावे। दोबारा देखो, किसी मूल शब्द या धातुओं से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उन्हें धातु या क्रिया कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको अच्छी तरह समझें कि धातु किसको कहते हैं, कि किसी मूल शब्द या धातु से किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसको कहते हैं धातु, या उसको कहते हैं क्रिया, या उसको कहते हैं वर्ब। जैसे अपने पास है, जैसे धातु है पट। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि धातुएं जो होती हैं उनके अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा होती है तो उस धातु के हलंत नहीं लगेगा। अगर स्वर की मात्रा या स्वर नहीं होता है तो उसके हलंत लगेगा। जैसे अपने पास इसमें पठ, ठ में क्या है? हलंत, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, क्योंकि आगे का जो प्रत्यय है वह आ करके उसमें जो स्वर है वो जुड़ जाएगा। जैसे पठ में अति जोड़ देंगे, तट लकार का प्रत्यय अति, तो ठ में ऐ जुड़ जाएगा तो पठ्य हो जाएगा। पठ यानी पढ़ना, गच्छ यानी जाना, गम मानी जाना, धाव मानी दौड़ना, पिब मानी पीना, लिख मानी लिखना, हंस मानी हंसना, क्रीड यानी खेलना, रुद यानी रोना, वध यानी बोलना, कथ्य मानी कहना, क्रय। क्रय का दूसरा नाम है कर। ऐसे गच्छ का दूसरा नाम गम। ऐसे ही दूसरी अपन धातु लिखते हैं भू। भू जो है इसका दूसरा नाम भव है, इसका मतलब होता है होना। भू या भव, इसका अर्थ होता है होना। कथ्य कहना, क्रय करना, कर यानी करना, खाद यानी खाना, पश्चिमन देखना, प्रच्छमन पूछना, नी। अब ये देखो प्रिय धातु, ये देखो नी, ये धातु है, इसमें ई ईश्वर है, ईश्वर होने से इसमें हलंत नहीं लगेगा। इसका दूसरा नाम है नये, यह में हलंत है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। नी मान ले जाना या नये मान ले जाना, दृश्य मान देखना और आगच्छ मान आना। ये मुख्य मुख्य धातुएं आपको लिखवाई गई हैं जिनमें प्रत्यय जुड़ करके और धातु रूप बनाए जाते हैं, चाहे लट लकार हो, चाहे लंग लकार हो, चाहे लिट लकार हो, चाहे लोट लकार हो, चाहे विधि लिंग लकार हो। इस प्रकार से आप इन धातुओं को याद रखना है, क्योंकि धातु ही एक ऐसा मूल शब्द है जो क्रिया का जनक होती है। मूल होती है क्रिया का, मूल होती है मतलब काम का मूल होती है। तो ये इनको आपको याद रखना है धातुओं को। आज जो आपको धातु का जो मैटर बताया गया है इसको आप अच्छी तरह याद करें, अच्छी तरह लिख लें और इनको याद भी रखना है, क्योंकि हर वाक्य में जैसे अपने संस्कृत बनाते हैं और फिर किसी लकार का प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमने को धातु याद रहनी चाहिए। जैसे हमने वह जाता है तो वह की तो सही हो गया संस्कृत, लेकिन जानी धातु गच्छ है, गच्छ में प्रत्यय जोड़ेंगे तो गच्छ याद है तो ही प्रत्यय जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको जो मैटर दिया जा रहा है ये धातु का मैटर दिया गया है, जो बड़ा ही शॉर्ट और स्वीट मैटर है। इसको आप अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह लिख लें। आज का मैटर यही रहेगा।
थैंक यू, धन्यवाद।